हेलो गुड मॉर्निंग द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो हम दो सॉल्व किए थे जिसमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा बताए, आज इसी क्वेश्चन इसी आंकड़ा से हमें कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा माध्य ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें दिया हुआ कि तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है, इसीलिए तीनों विधियों से ज्ञात करना होगा, जिसमें पहले इससे पिछले वाले वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मीन मेथड के द्वारा माध्य निकाले हैं और इसी आंकड़ा से ये आप प्रत्यक्ष विधि से निकाले हैं, तो ये वर्ग अंतराल तो समझ में आ ही गया होगा, बारंबारता भी समझ में आ गया होगा, वर्ग चिन्ह भी समझ में आ गया होगा और कल्पित माध्य विधि के लिए DI और FI DI ज्ञात करना है और FI DI के ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है? तो कल्पित माध्य विधि में माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य X बार बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए हमें FI और DI FI तो था ही, लेकिन DI निकालना है और FI DI भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए गौर करने की बात ये होती है कि इसमें वर्ग चिन्ह में से, क्योंकि ये कल्पित माध्य विधि है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो हमको इसमें से एक माध्य ए हमको मानना पड़ेगा। तो इसमें से किस में से? वर्ग चिन्ह में से मानते हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया आप लोगों को कि बीच का, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 3 ऊपर छाटिए और 3 नीचे छाटिए, तो ये आपका आ गया आपका ए, ये ए मान लेंगे। ठीक है ना, इसको क्या मान लेंगे? ए। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे जहाँ DI के जगह पर, जहाँ ए बराबर 50, यानी XI घटा 50 होगा सबों के लिए, XI घटा 50। अब क्या करेंगे, ये हम ये आंकड़ा तैयार कर लेंगे, कैसे वो भी बताया गया है। वैसे देखिए कि इस XI सब ये XI है ये भी XI है, ये भी XI है, तो क्या करेंगे, ये बारी बारी से यहाँ पर मान डाल के और 50 माइनस करके घटा कर देखेंगे, जो घट के आएगा वही लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए XI 20 आया और 20 घटा 50, तो 50 ज़्यादा हो गया, तो 50 में से ही आपको 20 घटाना पड़ेगा, तो कितना होगा, माइनस का 30 हो जाएगा। फिर देखिए 50 में माइन यहाँ पर आ जाएगा ना, एक के जगह पर 50 होगा, तो माइनस 50 और इसके लिए 30, 30 घटा कितना 50, तो 50 में से घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 20, ये भी देखिए ये भी कम ही है उससे 50 से, तो क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद देखिए आप 50 में से इसके लिए 50 घटा 50 बराबर कितना होगा, 0, तो 0 लिख लेंगे। अब देखिए ये बड़ा हो गया, XI बड़ा हो गया, तो XI के जगह पर 60 घटा 50 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 70 में से क्या 70 घटा 50 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 80 में से फिर 50 जाएगा तो हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। यह आपका DI आंकड़ा तैयार। अब क्या करना है, FI और DI को मल्टीप्लाई करना है, तो FI मतलब कि ये और DI मतलब ये इस दोनों को, इसको और इसको गुना कर करके लिखना है सामने सामने, तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 6 से गुना कर दिए, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, तो माइनस का 180 हो जाएगा, 6 में 3 से गुना कर 18, एक शून्य लगा देंगे। फिर देखिए 11 दूना 22 और ये माइनस तो होगा ही, माइनस यहाँ पर हो गया कितना आपका 11 दूना 22, तो कितना हो गया, 220 हो गया, यहाँ भी स्पष्ट है। फिर देखिए 7 से देखिए, 7 में 10 से गुना करेंगे तो माइनस का कितना, 70 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देखिए एक बार
ठीक है। अब देखिए फिर कितना से गुना करेंगे, चार में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही होगा, फिर चार में देखिए चार में दस से गुना करेंगे तो क्या होगा, चालीस हो जाएगा, और चालीस में फिर दो में बीस से गुना करेंगे तो फिर चालीस होगा, चार दाही चालीस और दो से बीस, दूना चालीस, ये भी चालीस से चालीस हो जाएगा, और ये में देखिए यहाँ पर एक में तीस से गुना करेंगे तो तीस हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर एक बात कर लेना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस वाला आया, तो माइनस वाला को हम क्या कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं, सबको जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, आपको सबको जोड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा 470, कितना आ जाएगा 470 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 470 माइनस का आ जाएगा, और इसको जोड़ लेंगे, इसको प्लस वाला को जोड़ लेंगे 40 40, तो ये आपका आ जाएगा 110 प्लस का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है इसमें से 470 है ना, 470 माइनस 470 में से माइनस 470 और ये प्लस का है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कितना 360। तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा क्या है, एफ आई डी आई, क्या चीज, डी आई बराबर आपका आ गया माइनस का 360। एक बार देखिए आप, अब जब निकल गया ये भी, आप ये भी आंकड़ा तैयार हो गया, सिग्मा एफ आई भी मालूम हो गया, जो कि सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ मालूम हो गया जो कि है, और सिग्मा एफ आई हमको मालूम है ही, तो हम कल्पित माध्य विधि जो कि एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसके द्वारा तो माध्य निकालना बिल्कुल आसान हो गया, और इससे पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो बिल्कुल आसान लगता होगा। तो अब देखिए इसको इसी पर हम सेट कर लेते हैं, ए बराबर, अब ए कितना माने थे 50, देखिए यहाँ पर इसमें से माने थे ना 50, तो ये हो गया 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकला, माइनस का 360 बट्टा सिग्मा एफ आई आपका 35 है, 35। यहाँ तक स्पष्ट है, ऐसे घेर लेते हैं एक बार, और फिर एक बार लिख देंगे 50 और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360/35। और ये जो है आप काट सकते हैं, 5 से 5 7 35 और 5 7 5 7 35 एक आया, तो 5 2 10 यानी आपका हो गया 50 -72/7। एक लाइन और लिख लेते हैं, 50 50 50 -72/7 को डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 10.29, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, और इसको अरे क्या करेंगे आप, 29 है, 29, और इसको आप कैलकुलेशन करके लिखेंगे तो आपका आएगा कितना, कितना आएगा आपका, देखिए एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो 39.71 यही आपका आएगा, ये लगभग में आएगा 10.29 लगभग में आएगा, जो कि मेरा ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा भी 39.71 निकला, जो कि हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा निकाले तो भी उतना ही निकला, और कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा निकाले तो भी इतना ही निकला। अब हम अगले वीडियो में फिर हम पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन विधि के द्वारा माध्य कैसे निकलता है वो बताएंगे। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।